बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आ जाइए पेज नंबर 33 की तरफ। कल हमने 32 पे जो तीन अहदीस थी उनका मुतालिया किया था, आज हम आएंगे 33 की तरफ। जी, अन अब्दिल्लाही बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर अल्लाह ताला अन्हुमा उन दोनों से राज़ी हो। अब उन दोनों से मुराद ये अन हु नहीं है, ये क्या है, अन हुमा, हुमा से मुराद जो है यानी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जो है जो हज़रत अमर जो है उनसे, तो दोनों से अल्लाह राज़ी हो। कौला, उन्होंने कहा कि कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अकबर अल-कबाइरी अय्यल अनर्रजुलु वालिदैही, इन्ना बेशक में से अकबरा के सबसे बड़ा, अल-कबाइर, कबाइर का मतलब है बड़े बड़े, बड़े बड़ों में से सबसे बड़ा। आप ये लफ्ज़ी तर्जमा है, तो मुराद यहाँ क्या है, कबाइर से मुराद है गुनाह कबीरा, यानी जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनमें से एक बहुत बड़ा गुनाह। अय्यल अनर्रजुलु वालिदैही, अन के यल अना, ला अना माजी का सीखा, उसने लानत भेजी, और यल अनु वो लानत भेजता है, और रजुलु शख्स, वालिदे ही अपने वालदैन, तो वा मुहावरा इस तरह से होगा, इन्ना मिन अकबर अल-कबाइरी अन यल अनर रजुलु वालिदे ही, कि बेशक बड़े बड़े गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह ये है कि कोई भी शख्स अपने वालदैन को लानत भेज करे, वालदैन पर लानत भेजे। कीला, कहा गया, या रसूलल्लाही वो कैफ यलअनु रजुलु वालिदैही, वा और कैफ कैसे यलअनु लानत कर सकता है, लानत भेज सकता है, और रजुलु शख्स वालिदैही उसके वालदैन, तो सहाबा कराम ने बड़ी ही जो हैरत से ये सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला कोई शख्स अपने वालदैन पर लानत कैसे भेज सकता है। कौला, तो उन्होंने फरमाया, यसुब्बुर रजुलु अबर रजुली, यसुब्बु माजी का सीगा है, सब्बा इसका मतलब है उसने गाली दी, यसुब्बु वो गाली देता है, अर रजुलु शख्स, अबा बाप, अर रजुली बाप, सॉरी शख्स, अबर रजुली शख्स का बाप, तो यसुब्बुर रजुली अबर रजुली, के जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बाप को गाली देता है, फयसुब्बु अबाहु, वापस यसुब्बु तो वो गाली देगा अबाहु उसके बाप को, व यसुब्बु उम्महु, व और यसुब्बु उम्महु, यसुब्बु और गाली देता है उम्महु, उमुन माँ हो उसकी, और अगर वो उसकी माँ को गाली देता है, फयसुब्बु उम्महु, वापस यसुब्बु गाली देगा उम्महु उसकी माँ को, तो वो भी उसकी माँ को गाली देगा। एक दफ़ा बाब मुहावरा सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर अल्लाह ताला उन दोनों से राज़ी हों, उनसे रवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई शख्स अपने वालदैन पर लानत भेजे। तो अर्ज़ किया गया है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स अपने वालदैन को कैसे लानत कर सकता है। काला, तो उन्होंने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बाप को गाली देता है तो वो उसके बाप को गाली देगा, और जब वो उसकी माँ को गाली देता है तो वो उसकी माँ को गाली देगा। मतलब क्या हुआ, यह हमें जो है इस हदीस को जो है अच्छे तरीके से समझ देना चाहिए कि यकीनन जो है किसी भी शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने वालदैन पर लानत भेजे। तो इसको जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस तरह बयान फरमाया कि ना सिर्फ जो है अपने वालदैन को जो है गाली कोई शख्स नहीं दे सकता, जिस तरह अपने वालदैन पर लानत नहीं भेज सकता, इसी तरह उसने सख्ती से ये बात अपने जहन में कायम रखनी है कि वो किसी दूसरे के वालदैन को भी जो है वो लानता नहीं कर सकता, उस पर लानत, उन पर लानत नहीं भेज सकता। क्योंकि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बाप को गाली देगा तो यकीनन
दूसरा शख्स भी जो है जवाब में उसके बाप को गाली देगा, और जब कोई शख्स किसी दूसरे की वालिदा को गाली देगा तो यकीनन मद्दे मुकाबिल भी जवाबी वार के तौर पर उसकी माँ को गाली देगा। तो गोया अगर पहला शख्स दूसरे के वालदैन को गाली ना देता, बुरा भला ना कहता, तो जवाबन उसके वालदैन को भी दूसरे शख्स की तरफ से लानतान और गाली से का सामना ना करना पड़ता। तो गोया किसी दूसरे के वालदैन को बुरा भला कहना खुद अपने वालदैन को बुरा भला कहने का बायस बन जाता है। तो इसको जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बड़ी वजाहत से बयान फरमा दिया। चुनाचे हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस बात को सख्ती से जो है ज़हन नशीन रखने की ज़रूरत है कि कभी जो है किसी दूसरे के शख्स के वालदैन जो हैं उनको भी बुरा भला कहने से सख्ती से हमें इज्तनाब करना है। अगली हदीस अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह तआला उनसे राज़ी हों उनसे रवायत है, क़ाला उन्होंने कहा, قال النبي صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، یہاں یہ واو جو ہے یہ اور کا معنی نہیں دے رہی بلکہ یہاں قسم کا معنی دے رہی ہے۔ واو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک واو عاطفہ اور دوسری جو ہے واو عاطفہ جو ہے وہ اور کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ حروف جارہ والی واو جو ہے یہ قسم کا معنی دیتی ہے۔ یہاں واللہ اللہ کی قسم، لا نہیں یؤمنو مومن ہو سکتا یعنی نہیں ایمان لا سکتا، واللہ خدا کی قسم لا یؤمنو نہیں ایمان لا سکتا، واللہ لا یؤمنو اللہ کی قسم نہیں ایمان لا سکتا یا نہیں مومن ہو سکتا۔ قیلا عرض کیا گیا یا کہا گیا، دیکھیں قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، اور قیلا ماضی مجھول ہے جس کا مطلب ہے کہا گیا۔ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کون؟ یا رسول اللہ، یا اے رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض کیا گیا کہ کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص نہیں مومن ہو سکتا؟ قالا تو انہوں نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائکہ، الذی جو لا نہیں یأمن، یأمن امن میں رہتا، محفوظ رہتا، مامون رہتا، جارہ جارن ہمسایہ ہو اس کا، بوائکہ بائکتن واحد ہے جمع بوائکن، کہتے ہیں شرارت کو، شرارتیں یا برائیاں یا مصیبتیں۔ تو با محاورہ قالا سے شروع کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائکہ، کہ وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی برائیوں سے یا اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بار بار یہ الفاظ استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے اتنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں کتنی سختی اور کتنی تاکید موجود ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے یا اس کی طرف اس کی برائیوں سے محفوظ اور مامون نہ ہو۔ تو اب اس حدیث میں جو ہے ہمیں ہمسائے کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر تمام ہمسایوں کے، اس کو جو ہے بڑی ہی تاکیدی الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوگا تو اس شخص کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوگا۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمسائے کے جو حقوق ہیں وہ اسلام میں اتنے بار بار جو ہے اس کی تاکید ہے، یہاں تک کہ یہ روایت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں معلوم ہونے لگا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے بار بار حقوق جو ہیں وہ بیان فرماتے تھے کہ شاید جو ہے اسلام میں وراثت میں ہمسایوں کو بھی جو ہے وہ شریک کر لیا جائے گا۔ تو اس بات سے جو ہے ہمیں اپنے جو ہمسایوں کے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے ہمیں سختی سے جو ہے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو روزمرہ زندگی میں ہمیں اس حدیث کو جو ہے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ پرامن معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکے۔
आप जो है अगली हदीस भी पढ़ लेते हैं। अन अबी अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, क़ाला उन्होंने कहा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिर्रजुल यहजुरा अखाहु फौका सलासा लयालिन, ला नहीं यहिल्लु, हल्ला माजी का सीगा है, वो हलाल हुआ, यहिल्लु फिर मुदारे मारू वो हलाल होता है, तो ला यहिल्लु हलाल नहीं होता, लिर्रजुली नाम दिए रजुल शख्स के किसी भी शख्स के लिए ये हलाल नहीं, अई यह जुरा अन के यह जुरा, हजरा माजी का सीगा, उसने छोड़ दिया, यह जुरू वो छोड़ता है छोड़ेगा, तो हिजरत जो है लफ्ज़ इसी से निकला है कि यानी एक जगह को छोड़ देना, वो लफ्ज़ी मतलब जो है वो बताया जा रहा है, इसी से वो निकला है कि वो छोड़ दे अखा हु अखा भाई हु अपना, कि वो अपने भाई को छोड़े रखे, फौका ऊपर सलासा तीन, लयालिन लैलतुन रात को कहते हैं, जमा लयालुन रातें, तीन रातों से ऊपर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के लिए ये हलाल नहीं कि वो अपने भाई को तीन रातों से ज़्यादा छोड़े रखे, जल तकियानी माजी का सीगा, इल्तका उसने मुलाकात की, यल तकी वो मुलाकात करता है या करेगा, यल तकी यानी यहाँ फिर मुदारे मारूफ का तस्निया मुज़क्कर गाइब का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि वो दोनों मुलाकात करते हैं, ओके जब वो दोनों आपस में मुलाकात करें, फयुरीदू हाजा व युरीदू हाजा, फापस युरीदू माजी का सीगा है, अ रदा उसने एराज़ किया, एराज़ करने से मुराद क्या होता है के मुँह फेर लेना, के फयू और यहाँ यूरीडू फिर मुदारी इस्तेमाल हुआ, वो एराज़ करता है के पास मुँह फेर लेता है, हाजा ये वाओ और यूरीडू मुँह फेर लेता है, हाजा ये तो ये भी मुँह फेर लेता है और ये भी मुँह फेर लेता है, व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम वाओ और खैरुन बेहतर, हुमा उन दोनों में से, और उन दोनों में से बेहतर वो है, अल्लाह जी जो यब्दाउ बदाअ माजी का सीगा, उसने आगाज़ किया, उसने इब्तिदा की या उसने शुरू किया, कि जिसने इब्तिदा की बिस्सल यानी यहाँ इब्तिदा जो है पहल के मानों में आ रही है, कि जिसने पहले किया बिस्सलामी बाक मतलब से ऐसा सलाम सलाम करें, कि जिसने सलाम से इब्तिदा की यानी जिसने सलाम में पहल की, बा मुहावरा पूरा सुनिए पूरी हदीस का, हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी से रवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए यह हलाल नहीं कि वो अपने भाई को तीन रातों से ज़्यादा छोड़े रखे, कि वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ये उधर को मुंह फेर लेता है और ये इधर को मुंह फेर लेता है, और उन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे, यानी अब इसमें क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस बात की तालीम दी है कि किसी भी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपने मोमिन भाई से तीन रातों से ज़्यादा नाराज़ रहे या जो है क़ता ताल्लुकी किए रखे, और जब भी उनकी मुलाकात हो तो ये दोनों जो है ये अपना अपना मुँह जो है इधर फेर लें, यानी दूसरे की तरफ जो है वो देखें भी नहीं, और उसके बाद क्या फरमाया कि उनमें से बेहतर वो है जो सलाम में पहल कर दे, तो इस पे जो है हमें इस ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड जो है बड़ी ही अहम तरीन, वैसे तो हर हदीस यकीनन अहम है लेकिन जो है ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है अपने अपने हवाले से हर हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदर हमारे लिए बेहतरीन तालीम मौजूद है, और ये जो चंद एक अहदीस आपके सिलेबस में शामिल हैं ये इनका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम मामूलात से है, तो इन्हें जो है ना सिर्फ हमने पढ़ना है बल्कि इन पर जो है पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करना है, तो तीन रातों से ज़्यादा नाराज़ जो है वो रहने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है, यकीनन कई ऐसे मामलात ज़िंदगी में हो जाया करते हैं कि जो बाहमी नाराज़गी का या एक गुस्से का सबब बन जाया करते हैं, लेकिन जो है इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि एक इंसान जो है एक हमेशा की क़ता ताल्लुकी की तरफ आ जाए, बल्कि इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी है कि
تین دن سے زیادہ کسی سے بھی جو ہے وہ ناراض رہنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔